चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीहोर से, जहां सृष्टि को बचाने की जंग अभी भी जारी है। जी हाँ, 41 घंटे से बच्ची को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि बोरवेल में ये बच्ची गिर गई थी, जिसका ऑपरेशन लगातार 41 घंटे से चल रहा है। 40 फीट से ज्यादा का जो पैरेलल गड्ढा है, यानी जिस बोरवेल में वो बच्ची गिरी थी उसके पास में ये गड्ढा खोदा जा रहा है, जिससे उसका रेस्क्यू किया जा सके। बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी की टीम जुट चुकी है। लगातार 41 घंटों से बिना रुके यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आज भी बताया जा रहा है कि दो और एक्सपर्ट टीम सीहोर की ओर रुख करेगी। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि बच्ची के रेस्क्यू के लिए रोबोट का भी सहारा लिया जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी की टीम और आज भी विशेष टीमें जाएंगी। साथ ही रोबोट का भी आज सहारा लिया जाएगा, ताकि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, बीते दिन में बड़ा ही दर्दनाक हादसा सीहोर में हो गया, जहां एक मासूम बच्ची बोरवेल में गिर गई, जिसके राहत बचाव का कार्य, रेस्क्यू का कार्य अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि 41 घंटे से लगातार बिना रुके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और आर्मी की टीम बच्ची के रेस्क्यू करने में जुटी है। और आज भी बताया जा रहा है कि विशेष टीमें आएंगी, साथ ही रोबोट की मदद से भी बच्ची को रेस्क्यू करने का सहारा लिया जाएगा। बात करें फिलहाल की क्या स्थिति और क्या लगता है कितने समय, कितना टाइम और लगेगा बच्ची को निकालने में? ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि कितना वक्त और लगेगा बच्ची को निकालने में। हालांकि दो स्टेट्स की जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, महाराष्ट्र और जयपुर से भी जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। 41 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, क्योंकि जो इलाका है वो पथरीला इलाका है, और तमाम कोशिशों के बाद भी बहुत ज्यादा तेजी से वहां पर खुदाई नहीं हो पा रही, क्योंकि जो बोरवेल का गड्ढा है जिसमें बच्ची फंसी हुई है, उसके पैलर ही ये गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मुद्दे पर बेहद गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही हमने आर्मी को भी कॉल किया, आर्मी भी वहां पर पहुंच चुके, बच्ची को बचाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। अब रोबोट को तार के माध्यम से गड्ढे में डालने की कोशिश की जाएगी, बच्ची की कंडीशन उसको पता करने की कोशिश की जाएगी, और जो नई तकनीक है उसके माध्यम से भी बच्ची को निकालने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी सभी प्रयासों में सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि बेटी सुरक्षित रहे। और चूंकि आज टेक्निकल एक्सपर्ट्स की टीम भी आ जाएंगी दो अलग अलग स्टेट्स की, जब वो भी मोर्चा संभाल लेंगी। जी वैभव, अभी तक बच्ची को लेकर कोई अपडेट आया है, कोई हलचल यहाँ पर देखी गई है, क्या इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, इस बात की जांच की है कैमरे वगैरह से कि बच्ची किस हाल में है, सुरक्षित है भी या नहीं? अब कोशिश की जा रही है, तमाम आशंकाएं भी हैं, संभावनाएं भी हैं, तो फिलहाल कुछ भी कहना उस पर जल्दबाजी होगी जब तक टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम नहीं आ जाती, जब तक डॉक्टर इस मामले को अपनी कोई राय नहीं दे देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद है। क्योंकि बच्ची जो है वो 100 फीट से ज्यादा गहरे गड्ढे में है, और वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है उस गड्ढे तक। रोबोटिक तार की मदद से रोबोट को भी डालने की कोशिश की जा रही है, बच्ची से बात भी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तमाम तरह की आशंकाएं भी हैं। लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना, जब तक डॉक्टर्स कुछ ना कहते, जल्दबाजी होगी। यहाँ पर गलती किसकी देखी जा रही है, यहाँ पर किसकी सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है जिससे बड़ा हादसा हुआ, और क्या लगता है आने वाले समय में जिसकी गलती है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में कि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहाँ छोटे बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं। तो बात करें सीहोर की, तो क्या आने वाले समय में जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई होगी? हाँ, कार्रवाई तो हर बार की जाती है, क्योंकि इस तरह के मामले कोई रुकते नहीं है। हमने पिछली बार भी देखा था जिस तरह से जबलपुर में बावड़ी के ऊपर हादसा हुआ था, लोगों ने निर्माण कर लिया था और उस पर कार्रवाई की गई थी। तो हादसे के बाद कार्रवाई होती है, हादसे के पहले अगर इस तरह की कार्रवाई कर दी जाए तो शायद इस तरह के हादसे ना हो। और जिस तरह का सीहोर का मामला है कि बोरवेल के ऊपर जो तगाड़ी होती है वो रखी हुई थी, बेटी उस पर बैठी हुई थी, तो वो तगाड़ी एकदम से टूट गई और बच्ची इसके अंदर जाके गिर पड़ी, और फिर इसकी मानस को ढूंढा तो पता चला कि बेटी इसके अंदर है जब उसने देखा। तो अब फिर से एक बार कार्रवाई की बात सामने आ रही है, कुछ आदेश भी निकाले गए हैं कि अब कोई भी खुले में बोरवेल को जो ढक्कन है उसको पैक करके रखेगा। लेकिन हर बार यही होता है कि बोरवेल तो लोग करा देते हैं, लेकिन उसको ढकना ठीक तरीके से भूल जाते हैं, और इसी तरह से इस तरह के हादसे होते हैं।
जी बिल्कुल वैभव, हमें भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए, क्योंकि पूरा देश भी यही प्रार्थना कर रहा है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको सीहोर वाली खबर का बता रहा है, जहां अभी भी बच्ची को बचाने की जंग जो है लगातार जारी है। सृष्टि जो है पिछले 41 घंटे पहले इस गड्ढे में गिर गई थी, और लगातार जब से उसके गड्ढे में गिरने की खबर सामने आई है, तब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरह टीमें अलग अलग आ रही है, आज भी कई टीमें आ रही है, लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके बच्ची को गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि मुश्किलें बहुत आ रही है, मगर उम्मीद है कि जल्द ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपने काम में सफल होगी।